बार बता दे, है ना। अभी स्क्रीन आ रहा है? आया। हाँ 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 सर, आ जी सर, गया आ गया। आ गया ना। ओके, थैंक यू सो मच फॉर रिप्लाई। सो अभी डेमो सभी लोगों ने अटेंड किया था ना? डेमो क्लास जो अटेंड किया था, सभी लोगों ने अटेंड किया था जितने लोग अभी क्लास में हैं? जी सर, हाँ जी सर, सर। मैं आज ही नया हूं, मतलब ओके ओके वेरी। ओके। सो आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, फायरवॉल की ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहे हैं, राइट। और फायरवॉल में भी अभी जो हम डिस्कस करेंगे वो क्या है, सिस्को का फायरवॉल, है ना। तो जिन लोगों को, जिन्होंने सर्टिफिकेशंस किया हुआ है, ट्रेनिंग ले रखी है, उन लोगों को तो पता है कि सिस्को जो है वो क्या है, एक वेंडर है जो क्या करता है, नेटवर्किंग डिवाइसेस बनाता है। और नेटवर्किंग डिवाइसेस में जैसे अभी हम यूज क्या 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 करते हैं, राउटर्स यूज करते हैं, स्विचेस हम यूज करते हैं, उसके बाद में हम यहाँ पर क्या यूज करते हैं, फायरवॉल डिवाइसेस है, और उसके बाद में हम आईपी फोन्स वगैरह यूज करते हैं। तो जिन लोगों ने अभी क्या किया हुआ है, सीसीए ने किया हुआ है, राइट, राउटिंग एंड स्विचिंग के अंदर, जिन लोगों ने राउटिंग एंड स्विचिंग के अंदर सीसीए ने किया हुआ है, तो उन लोगों ने इन दो डिवाइसेस के ऊपर काम करने के लिए सीखा होगा, राउटर्स के ऊपर, स्विचेस के ऊपर। राउटर को कॉन्फ़िगर करना, आईपी देना, आईओएस इंस्टॉल करना, टेलनेट, एसएसएच वगैरह इनेबल करना, राउटिंग इनेबल करना, नेटिंग, ईसीएल वगैरह, ये सब सारी चीजें जो है वो आप लोगों ने राउटर एंड स्विचेस के ऊपर सीखी होगी। तो ये जो डिवाइसेस है दो, इनका मेनली यूज होता है किसके लिए, डेटा ट्रांसफर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं। तो अगर मुझे एक लैन में, लोकल एरिया नेटवर्क में अगर मुझे क्या कराना है, कम्युनिकेशंस करना है, तो हम किसका यूज करते हैं, स्विच का यूज करते हैं। वाइड एरिया नेटवर्क में मुझे डेटा को क्या करना है, ट्रांसफर कराना है, तो हम उसके लिए वहां पर राउटर का यूज करते हैं, ठीक है। सो सिमिलर वे में अब मुझे क्या करना है, मेरा लैन हो या वैन हो, मुझे अगर डेटा को सिक्योर मैनर में क्या करना है, ट्रांसफर करना है, डेटा को सिक्योर मैनर में ट्रांसफर करना है, तो उसके लिए हमारे को फायरवॉल डिवाइस की जरूरत पड़ती है। तो हमारे पास में बहुत सारे वेंडर्स है जो हार्डवेयर फायरवॉल्स भी बनाते हैं। अगर मैं फायरवॉल की बात करूं, ठीक है, फायरवॉल की अगर मैं बात करूं, तो हमारे पास में यहाँ पर क्या होता है, सॉफ्टवेयर फायरवॉल्स भी आते हैं और हार्डवेयर फायरवॉल्स भी आते हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर फायरवॉल्स आपने देखा होगा जो हमारे विंडोज के अंदर आते हैं ना, विंडोज के अंदर फायरवॉल वाला ऑप्शन होता है ना। सो वो हमारा क्या होता है, सॉफ्टवेयर फायरवॉल होता है। तो ये, और एक फायरवॉल हमारे पास में जो है वो क्या है, हार्डवेयर फायरवॉल। तो अभी जो हम बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हैं, हार्डवेयर फायरवॉल की। हम जो पढ़ेंगे वो हार्डवेयर फायरवॉल के बारे में पढ़ेंगे। तो हार्डवेयर फायरवॉल में कई सारी कंपनीज है जिसके फायरवॉल्स आते हैं। चेक पॉइंट है ना आपके पास में, पॉलो अल्टो है, उसके बाद में एएसए फायरवॉल्स है ना, फोर्टिगेट है। तो ऐसे हमारे पास में कई सारे वेंडर्स है जो क्या करते हैं, फायरवॉल डिवाइसेस बनाते हैं। तो अभी जो हम डिस्कस करेंगे, अभी इस कोर्स के अंदर, ये कोर्स जो पर्टिकुलर है वो किसके लिए, सिस्को का जो फायरवॉल आता है, एडाप्टिव सिक्योरिटी अप्लाइंस, एएसए। सिस्को का जो एएसए फायरवॉल है वो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले, राइट। सो मैंने डेमो में भी आप लोगों को बताया था कि 1 मंथ का आपका जो है वो ये कोर्स होगा, ठीक है। और आपका जो रहेगा, ये 1 आवर्स की क्लासेस रहेगी, मंडे टू सैटरडे हमारा, है ना। तो 8:30 PM हम क्लास स्टार्ट करेंगे, 9 to हमारा जो क्लासेस रहेगा वो 9:30 के हमारा क्लासेस रहेगा, ठीक है। सो मैं स्टार्ट करता हूँ कोर्स। सो सिस्को सिक्योरिटी अप्लायंसेस ओवरव्यू। अभी सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज फायरवॉल। अगर हम फायरवॉल की बात करें कि फायरवॉल है क्या एक्चुअल में और क्या काम करता है। सो अ फायरवॉल इज अ सिस्टम और ग्रुप ऑफ द सिस्टम्स दैट मैनेज एक्सेस बिटवीन टू और मोर नेटवर्क्स, ठीक है। सो हम ये बोल सकते हैं कि फायर, तो यहाँ पर आपका क्या है, फायर और वॉल। तो फायर का मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, अलाउड ट्रैफिक विल बी इंस्पेक्ट बेस्ड ऑन सिक्योरिटी पॉलिसीज पॉलिसी एंड वॉल का मतलब होता है कंट्रोल व्हाट ट्रैफिक इज अलाउड टू पास बिटवीन, ठीक है। सो फायरवॉल हमारा क्या काम कर रहा है कि हमारा जो भी नेटवर्क है, आप सिंपली यहाँ पर एक नेटवर्क डायग्राम्स आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ठीक है।
तो ये मेरा एक राउटर है और यहाँ पर ये राउटर जो कनेक्ट है वो हमारा किससे कनेक्ट है, इंटरनेट से कनेक्ट है। तो जो इंटरनेट से कनेक्टिविटी है तो ये वाला जो नेटवर्क है हमारा इधर वाला, ये नेटवर्क जो होगा वो आपका कौन सा नेटवर्क होगा, पब्लिक नेटवर्क होगा। यहाँ पर इंटरनेट जो है वो आपका क्या है, पब्लिक नेटवर्क है। और यहाँ पर जो भी मशीन्स रखी हुई है, जैसे पब्लिक नेटवर्क में हमारा क्या होता है, गूगल का सर्वर हो गया, यहाँ पर मेरे पास में क्या रखा हुआ है, फेसबुक का सर्वर रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी मशीन्स रखी हुई है ये क्या होती है, पब्लिकली एक्सेसिबल होती है, इसको हर कोई क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। और इधर जो आप नेटवर्क देख रहे हैं इस राउटर से, इधर वाला जो नेटवर्क है ये हमारा नेटवर्क जो होता है, ये हम इसको कौन सा नेटवर्क बोलते हैं, प्राइवेट नेटवर्क बोलते हैं, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर जो डीएमजी देख रहे हैं, इसका मतलब है डीमिलिटराइज्ड जोन। और ये एक हमारा इधर वाला जो नेटवर्क है, ये हमारा कौन सा नेटवर्क है, इनसाइड नेटवर्क है। तो फायरवॉल जो है वो आप कहाँ पर पेस्ट कर सकते हो, जैसे अभी मैंने इस डायग्राम के अंदर आपको जो बताया है वो कहाँ पर मैंने पेस्ट किया हुआ है, कि राउटर लगा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा पब्लिक नेटवर्क है और पब्लिक नेटवर्क से जस्ट मेरा कौन सा डिवाइस कनेक्ट है, राउटर कनेक्ट है। राउटर से फिर मैंने यहाँ पर कौन सा डिवाइस लगाया है, फायरवॉल लगाया है। और फायरवॉल से फिर यहाँ पर मैंने पीसी कनेक्ट किया है। पर अगर नंबर ऑफ पीसीस मेरे पास में यहाँ पर ज्यादा होंगे तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, स्विच भी लगा सकता हूँ। इधर भी अगर मेरे पास में नंबर ऑफ मशीन ज्यादा होगी तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, स्विच जो है वो कनेक्ट कर सकता हूँ। तो बेसिकली फायरवॉल क्या करता है, आपके नेटवर्क में जो भी ट्रैफिक क्या हो रहा है, इन हो रहा है, और या आपके नेटवर्क से जो भी ट्रैफिक क्या हो रहा है, आउट हो रहा है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, फायरवॉल का यूज करते हैं, ठीक है। सो मेनली हमारे को जरूरत किसको पड़ती है, कि जो हमारा पब्लिक नेटवर्क है ना, तो यहाँ से कोई अननोन पर्सन जो है वो हमारे नेटवर्क के अंदर क्या ना हो, एंटर ना हो, उसके लिए हम फायरवॉल को क्या करते हैं, यहाँ पर यूज करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अलाउ ट्राफिक, ठीक है, विल बी इंस्पेक्टेड बेस्ड ऑन द सिक्योरिटी पॉलिसीज, है ना। तो आपका इंस्पेक्शन का मीनिंग क्या होता है, इंस्पेक्शंस का मीनिंग क्या होगा, कि जब भी कोई ट्रैफिक जो यहाँ पर आएगा तो वो ट्रैफिक पहले क्या होगा, इस फायरवॉल के ऊपर जो भी सिक्योरिटी पॉलिसी हमने बना रखी है उस सिक्योरिटी पॉलिसीज के अकॉर्डिंग उसको क्या करेगा, वो चेक करेगा, और उसके बाद में फिर उसको क्या करेगा, परमिट या डिनाई करेगा। अगर आपने परमिट किया होगा तो आपको नेटवर्क में उसको एंट्री दे देगा, अगर आपने डिनाई कर रखा होगा तो फायरवॉल के ऊपर आपका ट्रैफिक जो है वो क्या हो जाएगा, डिनाई हो जाएगा। क्लियर हो गया। सो इसके लिए हम इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। उसके बाद वॉल का मतलब क्या होता है, कंट्रोल्स व्हाट ट्रैफिक इज अलाउड टू पासेस बिटवीन, मतलब किस ट्रैफिक को अलाउ करना चाहते हो, डिनाई करना चाहते हो। दूसरा डायग्राम मैंने यहाँ पर बताया है कि यहाँ पर इंटरनेट से मैंने इधर क्या कर दिया है, एक फायरवॉल यहाँ पर भी लगा दिया, इधर साइड हमने एक फायरवॉल लगा दिया। तो ये वाले लिंक जो है, इधर हमारा जो नेटवर्क चल रहा है वो अनट्रस्टेड नेटवर्क है, और इधर जो नेटवर्क चल रहा है वो हमारा क्या चल रहा है, ट्रस्टेड नेटवर्क चल रहा है। गाइस प्लीज अनम्यूट कर लो जिसकी भी साइड से वॉइस आ रहा है, ताकि अदर लोगों को डिस्टर्बेंस ना हो, ठीक है। तो अनट्रस्टेड और ट्रस्टेड नेटवर्क मीन्स वॉट, आपका कौन सा नेटवर्क है, प्राइवेट नेटवर्क है, तो वो आपका ट्रस्टेड नेटवर्क है। और जो पब्लिक नेटवर्क इंटरनेट जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अनट्रस्टेड नेटवर्क बोलते हैं। तो एक तो आप यहाँ पर भी फायरवॉल क्या कर सकते हो, ट्रस्टेड और अनट्रस्टेड नेटवर्क के बीच में फायरवॉल आप पेस्ट कर सकते हो, या आपकी कोई कंपनी है एबीसी, और ये जो डॉटेड वाला जो सर्कल आप देख रहे हैं ना, ये पूरा उस कंपनी का क्या एक नेटवर्क है, बट उस कंपनी के अंदर उन्होंने हमने क्या कर रखा है, एक यहाँ पर डेटा सेंटर भी बना रखा है, ठीक है। तो अगर मुझे इस डेटा सेंटर को और ज्यादा सिक्योरिटी देना है तो मैं मेरी प्रीमाइसेस के अंदर ही क्या कर सकता हूँ, एक और अलग से यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, फायरवॉल लगा सकता हूँ। एक फायरवॉल मैंने लगा दी, यहाँ पर मेरा डेटा सेंटर है, और ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, इस बिल्डिंग के अंदर मेरे सारे क्या है, नॉर्मल यूजर्स जो है वो इस बिल्डिंग के अंदर है। तो ये नॉर्मल यूजर्स जब भी मेरे डेटा सेंटर को क्या करने के लिए जाएंगे, एक्सेस करने के लिए जाएंगे, तो वो वाया फायरवॉल जाएंगे, और मैं इस फायरवॉल के ऊपर क्या करूंगा, यहाँ पर पॉलिसीज बना दूंगा, तो मेरा नेटवर्क जो होगा वो भी क्या हो जाएगा, और ये जो डेटा सेंटर है ना, तो आप देख रहे हैं ये जो सर्कल बना हुआ है, ये पूरा एरिया जो है वो कंपनी एबीसी का है, ठीक है। तो एक तो फायरवॉल मैंने कहां पर लगा दिया, इंटरनेट से जो भी ट्रैफिक आ रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए एक फायरवॉल लगा दिया। उसके बाद मेरा जो इंटरनल नेटवर्क है उसके अंदर भी मैंने डेटा सेंटर को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए एक और क्या कर दिया, फायरवॉल लगा दिया, ठीक है। तो आप इस तरीके से कहीं पर जो है अपने अकॉर्डिंग आप जो है वो फायरवॉल को पेस्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ इंटरनेट चल रहा है, इस
इस वाले डायग्राम में आप देख रहे हो कि यहाँ पर मैंने जो इंटरनेट से डायरेक्ट किसको कनेक्ट किया, राउटर को कनेक्ट किया, फिर फायरवॉल लगाया। इस वाले डायग्राम में अगर आप देख रहे होंगे तो मैंने इंटरनेट से डायरेक्ट किसको कनेक्ट किया है, यहाँ पर फायरवॉल को कनेक्ट किया है, उसके बाद फिर मैं अपना राउटर या स्विचेस वगैरह जो है वो लगा सकता हूँ, ठीक है। पर मोस्ट ऑफ द सिनेरियो के अंदर ये वाला डायग्राम जो है वो यूज होता है, जो राइट साइड में आप यहाँ पर देख रहे हैं, है ना, कि आपका जो राउटर है वो आईएसपी से कनेक्ट होता है और फिर राउटर से आपका फायरवॉल कनेक्ट होता है, फायरवॉल से फिर आपका स्विच कनेक्ट होगा और स्विच से फिर आपका जो भी लैन के अंदर सर्वर्स और कंप्यूटर्स वगैरह होंगे वो कनेक्ट होंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में यहाँ पर बोल रहा, फायरवॉल कन्फिगर्ड इन बिटवीन ट्रस्टेड एंड अनट्रस्टेड बाउंड्रीज, और इसको क्या बोल सकते हो, जोन भी आप बोल सकते हो। आपका जो ट्रस्टेड और अनट्रस्टेड जो नेटवर्क है, ठीक है, तो ट्रस्टेड नेटवर्क समझ में आ गया, ट्रस्टेड नेटवर्क मीन्स आपका प्राइवेट नेटवर्क, अनट्रस्टेड नेटवर्क मीन्स पब्लिक नेटवर्क इंटरनेट, ठीक है। तो वहां पर उस बाउंड्री पे आप फायरवॉल लगाओगे और आप उसको नेटवर्क बाउंड्री आप जोन भी बोल सकते हो। मेन स्कोप इज टू कंट्रोल ट्राफिक कमिंग फ्रॉम अनट्रस्टेड जोन, अनट्रस्टेड जोन से जो भी ट्रैफिक आपका आ रहा है, मतलब इंटरनेट से जो भी ट्रैफिक आपका आ रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, यहाँ पर फायरवॉल डिवाइस का जो है हम यूज करेंगे, क्लियर है। सो इसमें किसी को भी कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, बाकी फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। सर बोल रहे हैं जो बी साइड में, जो राइट साइड में जो डायग्राम है ना आपका, राइट ये सेकेंड नंबर का ये डायग्राम हो गया, फर्स्ट नंबर का 1-2 आप बोल सकते। पर सर ये जो मतलब पहले इंटरनेट से जो राउटर में गया, फिर राउटर से फायरवॉल में गया है, right. सर ये राउटर तो लेस सिक्योर हो गया। नहीं, हाँ तो राउटर आपका क्या लेस सिक्योर है, बट आपका एक्चुअल जो डेटाबेस रखा हुआ है, एक्चुअल जो चीजें रखी, सर्वर वगैरह तो आपके इस लेन में है ना, तो मुझे इसको क्या करना है, ज्यादा सिक्योर करना है। राउटर के ऊपर क्या होता है, वैसे भी आपका राउटर के ऊपर राउटिंग टेबल्स होती है ना, आपका कंपनी का कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट या सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह तो यहाँ पर होगी नहीं, समझ में आ रहा है ना। ये जो डायग्राम वन के अंदर आप देख रहे हैं ना, फायरवॉल जो देख रहे हैं, तो इस केस में क्या होता है कि आपका जो सिक्योरिटी का जो काम होगा वो भी कौन करेगा, फायरवॉल करेगा। राउटिंग जो करेगा वो भी कौन करेगा, फायरवॉल करेगा, क्योंकि फायरवॉल जो है वो आपका किससे कनेक्ट है, इंटरनेट से कनेक्ट है। तो आपका जो फायरवॉल होगा ना, अगर आप फर्स्ट वाला नेटवर्क यूज करते हो या फर्स्ट वाला डायग्राम आप जो देख रहे हो उस तरीके से अगर आप नेटवर्क डिजाइन करोगे तो आपका जो फायरवॉल डिवाइस होगा उसके ऊपर वर्कलोड जो होगा वो थोड़ा ज्यादा बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। बट सेकेंड डायग्राम जो है, तो देखो मैंने सेकेंड डायग्राम में क्या कर दिया, इधर राउटर लगा दिया, तो राउटर जो है वो राउटिंग करेगा, नेटिंग करेगा। अगर ACL लगानी है तो आप राउटर के ऊपर ACL लगा सकते हो, तो वर्कलोड जो है वो आपका क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो कंपनीज के अंदर क्या होता है, एक पर्टिकुलर टास्क के लिए एक डेडिकेटेड डिवाइस जो है वो यूज की जाती है। यहाँ जो फायरवॉल लगाया मैं, उसके ऊपर केवल क्या लगाऊंगा, सिक्योरिटी पॉलिसीज जो है वो इम्प्लीमेंट करूंगा, और जो मेरा राउटर है उसके ऊपर मैं राउटिंग, नेटिंग, ACL ये सब जो भी टास्क है वो कहाँ पर करूंगा, राउटर्स के ऊपर करूंगा, ताकि वर्कलोड मेरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, डिवाइसेस के ऊपर लोड नहीं रहेगा, तो उसका परफॉर्मेंस होगा वो क्या होगा, बेस्ट होगा। समझ में आया कि नहीं आया सभी को? ओके, नेक्स्ट रीजन टू हैव अ फायरवॉल। अब हमारे को नेटवर्क के अंदर फायरवॉल्स क्यों चाहिए, है ना। तो फायरवॉल इज कंसिडर्ड एज एन इनिशियल एलिमेंट टू अचीव द नेटवर्क सिक्योरिटी फॉर द फॉलोइंग रीजंस। सो क्या क्या रीजंस है, तो आपका क्या बोल रहा है, इंटरनल नेटवर्क एंड होस्ट आर अनलाइकली टू बी प्रॉपरली सिक्योर्ड। तो इंटरनल नेटवर्क या होस्ट क्या हो गए, कि आपके नेटवर्क के अंदर जो सर्वर लगे हुए हैं, है ना, जो सर्वर्स लगे हुए हैं, या आपके नेटवर्क में जो PC है, या आपके नेटवर्क में कोई IP फोन वगैरह लगा हुआ है, या IP कैमरा वगैरह आपने क्या कर लगा, आपके नेटवर्क में लगा रखा है, तो ये सब सारी डिवाइसेस कहाँ पर होती है, आपकी लेन के अंदर होती है। तो उनको प्रॉपरली सिक्योर करने के लिए आपको फायरवॉल चाहिए होता है। इंटरनेट इज अ डेंजरस प्लेस विथ क्रिमिनल्स, ठीक है। तो इंटरनेट जो है वो आपका क्या, एक पब्लिक नेटवर्क है जो हर किसी को उसका क्या है, एक्सेस होता है, ठीक है। एंड यूजर्स फॉर फ्रॉम कंपीटिंग कंपनीज एंड डिसग्रंटल्ड एक्स एम्प्लॉय और स्पाइस फ्रॉम द अनफ्रेंडली कंट्रीज एंड वेंडर्स। तो इन सब चीजों से बचने के लिए हमारे को किसकी जरूरत पड़ती है, फायरवॉल की जरूरत पड़ती है, ताकि अगर मैं इंटरनेट से
मेरा डायरेक्ट क्या करता हूँ, प्राइवेट नेटवर्क अगर कनेक्ट करता हूँ तो कोई भी मेरे नेटवर्क के अंदर एंटर हो सकता है, तो मैं मेरे प्राइवेट नेटवर्क और इंटरनेट के बीच में फायरवॉल लगाऊंगा टू प्रिवेंट इन अटैकर्स फ्रॉम लॉन्चिंग द डेनियल ऑफ सर्विस अटैक्स ऑन द नेटवर्क रिसोर्सेस. सो डेनियल ऑफ सर्विस अटैक हो सकता है, किसी ने डॉस अटैक के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिनको थोड़ा सा अगर सिक्योरिटी का मालूम होगा, डॉस अटैक, डेनियल ऑफ सर्विस अटैक. तो डॉस अटैक का मतलब क्या होता है, जैसे कोई सर्वर है उसको क्या करना, एक तरीके से डिस्टर्ब करना है. डेनियल ऑफ सर्विस का मीनिंग क्या होता है, किसी को डिस्टर्ब करना. जैसे अभी मैं अगर एक लाइव एग्जांपल दूं तो मैं अभी आप लोगों को क्या कर रहा हूं, ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा हूं, राइट. बट अगर दो लोग अभी अपने साइड से वो कर रहे हैं ना कि अपने आप को अनम्यूट कर रखा है, जैसे ये वॉइस आ रहा है अभी बाहर से किसी के साइड से क्या आ रहा है, वॉइस आ रहा है. अगर आप लोग सभी लोग इस तरीके से क्या करते हो, अपने आप को अनम्यूट करते हो और उधर से क्या हो रहा है, अननेसेसरी नॉइस आ रहा है, तो मैं क्या होते जाऊंगा, वॉइस से मैं डिस्टर्ब होऊंगा, मैं ट्रेनिंग के ऊपर प्रॉपर तरीके से फोकस नहीं कर पाऊंगा, तो वो एक तरीके से क्या हो गया, डॉस अटैक हो गया. तो जैसे मेरे नेटवर्क में क्या है, एक सर्वर कंप्यूटर है, ठीक है, और इस सर्वर कंप्यूटर और यहाँ पर मेरे पास में एक लेन है, और इस लेन में मेरे पास में क्या लगे हुए है, यहाँ पर नंबर ऑफ कंप्यूटर्स लगे हुए, ठीक है, एक कंप्यूटर यहाँ पर, एक कंप्यूटर यहाँ पर, एक कंप्यूटर यहाँ पर है. अब क्या हुआ, इस सर्वर का आईपी सपोज करो 192.168.10.1, क्लियर हुआ. इसका आईपी जो है वो 10.2 है, इसका आईपी जो है वो 10.3 है, इसका आईपी जो है 10.4 है. अब आपने क्या किया, आप लोगों ने क्या किया कि ये जो 10.4 जो है यहां से क्या किया, इस सर्वर को आपने पिंग किया, है ना. तो आप पिंग करते हो तो कैसे करते हो, किसी भी पीसी के कमांड प्रॉम्प्ट पे जाते हो, आपने लिखा पिंग और यहां पर क्या कर दिया, सर्वर का आईपी लिख दिया 192.168.10.1. तो ये क्या करता है, ये कंप्यूटर जो है वो इसको क्या करता है, एक इको रिक्वेस्ट सेंड करता है, और वो जो इको रिक्वेस्ट होती है ना वो 32 बाइट की होती है. यार आप लोग प्लीज अनम्यूट कर लो, म्यूट कर देता हूं, ठीक है. अब किसी को कुछ क्वेश्चन रहेगा तभी आप लोग अनम्यूट करना, या चैट पे मुझे क्या कर देना, टाइप कर देना, है ना. चलो, तो मैंने क्या किया, इस 10.4 से 10.1 को पिंग किया, तो यहां से एक इको रिक्वेस्ट जाती है, और उस इको रिक्वेस्ट का साइज जो होता है वो 32 बाइट का होता है, और विंडोज कंप्यूटर के अंदर बाय डिफॉल्ट 4 इको रिक्वेस्ट ये क्या करता है, सेंड करता है, ठीक है. तो मतलब क्या हुआ, ये इको रिक्वेस्ट यहां से इस पीसी से होकर के इधर गई, तो इस सर्वर का उसने कितने बाइट डेटा कंज्यूम कर लिया, 32 बाइट डेटा क्या कर लिया, कंज्यूम कर लिया. अब आप लोगों ने देखा होगा जब हम कई बार लिखते हैं पिंग लिखते हैं और आईपी लिखते हैं और यहाँ पर लास्ट में हाइफन टी लगा देते हैं, इस हाइफन टी का मतलब क्या होता है, कंटिन्यूअस पिंग करना. मतलब यहां से अगर मैंने कंटिन्यूअस पिंग लगा दिया तो इस सर्वर का 32 बाइट डेटा क्या हो जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा. फिर मैंने इस पीसी से भी कंटिन्यूअस पिंग लगा दिया तो 32 बाइट डेटा और कंज्यूम होने लगेगा, मतलब एट अ टाइम 64 बाइट डेटा जो है वो क्या होगा, कंज्यूम होगा. फिर मैंने इस सर्वर से क्या किया, फिर इसको क्या किया, पिंग किया, तो फिर आपका डेटा जो है वो कितना होगा, 96 बाइट डेटा जो है वो क्या होने लगेगा, कंज्यूम होने लगेगा. और अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट पे जाता हूँ और कमांड प्रॉम्प्ट में मैं लेट से मैं पिंग करता हूँ 8.8.8.8 को, जो गूगल का हमारा क्या है, पब्लिक सर्वर है, सॉरी DNS सर्वर जो है उसको मैंने पिंग किया. तो आप लोग स्क्रीन पे देख रहे कितने बाइट का डेटा यहाँ पर सेंड हो रहा है, 32 बाइट का. अभी मैं चाहूं तो हाइफन टी लगाता हूं या यहां पर इसके साइज को, हाइफन एल मतलब लेंथ, मैं इसके लेंथ को बढ़ा भी सकता हूं. तो यहां पर आप देख रहे हैं मैंने इसको पिंग किया तो यहां पर देख रहे कितने बाइट का डेटा गया, यहां पर मैंने सेंड किया था 100 बाइट का, पर डेटा कितने बाइट का एक्सेप्ट हो रहा है, 64 बाइट का. तो ये क्या हो रखा है, गूगल ने अपने एंड पे क्या कर रखा है, सिक्योरिटी लगा रखा है, इसलिए ये चीज यहां पर हो रहा है. ये 64 बाइट से ज्यादा का इको रिक्वेस्ट जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, तो ये सिक्योरिटी लगा रखी. ये सिक्योरिटी क्यों लगाई गई है, क्योंकि अगर कोई यूजर सपोज करो 1000 बाइट का डेटा भेजता है और यहाँ पर हाइफन टी लगा देता है,
तो कंटिन्यूअसली क्या होगा, इस सर्वर के ऊपर 1000 बाइट का डेटा क्या होगा, सेंड होगा, ये उसकी 1000 बाइट को क्या करेगा, कंज्यूम करेगा। मैं कोई दूसरा आपको आईपी बताता हूँ, लेट्स से आईपी कॉन्फिग, मेरा आईपी में चेक कर लेता हूँ कि आईपी क्या है। सो मेरा गेटवे जो है वो ये है 43 डॉट, तो मैंने किया पिंग 192.168.43.1 और मैंने बोला हाइफन एल, लेंथ बढ़ा दो 1000। अभी देखते हैं कि 1000 पे मैंने रिक्वेस्ट इसको भेजी, तो रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा है, विदाउट इसके लेंथ के भेजते हैं। तो अभी जो ले रहा है वो 32 बाइट ले रहा है, एक बार फिर से मैं ट्राई करता हूं 1000 बाइट पे भेजने का, ये 1000 बाइट का डेटा भेज रहा हूं तो ये उसको क्या नहीं कर रहा है, एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, ये उसको ड्रॉप कर रहा है, राइट। और कम करके देखते हैं, 100 करके देखते हैं, तो यहां पर भी इन लोगों ने क्या करके रखा हुआ है, सिक्योरिटी लगा करके रखा हुआ है, ठीक है। तो ये देखो अगर मैं लेंथ बढ़ा करके भेज रहा हूं तो ये पैकेट जो है वो क्या नहीं हो रहा है। अब लेट्स से मैं एक और वो ट्राई करता हूँ, कोई दूसरी वेबसाइट हम देख लेते हैं। मैंने लिखा पिंग और जयदीप 64 से तो आ जाएगा, क्योंकि हो सकता है वहां पर सिक्योरिटी अगर उन्होंने लगा रखी हो कि 64 बाइट। तो एक्चुअल में क्या है कि हम हमारे नेटवर्क में सिक्योरिटी लगा सकते हैं, तो इसके लिए हम फायरवॉल के ऊपर भी, जो अभी जो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल्स वगैरह आती है उसके ऊपर भी। तो मैं आपको ये केवल मेरा मेन मोटो बताने का यही था कि यहाँ पर अगर आप पैकेट के साइज को बढ़ा करके भेजते हो ना, तो जिस भी सर्वर को आप पिंग कर रहे हो और पैकेट के साइज को बढ़ा करके भेज रहे हो, तो उस सर्वर की बैंडविड्थ क्या होती है, कंज्यूम होती है। तो उस अटैक को आप क्या बोलते हो, डॉस अटैक बोलते हो। जैसे आपको पता चल गया कि भाई किसी कंपनी का ये एक सर्वर है और आप इस सर्वर को क्या करना चाहते हो, डाउन करना चाहते हो, या आपके पास में ये एक वेबसाइट है www. आपने flipkart.com, ये flipkart.com आपके पास में एक वेबसाइट है। अगर आप इस वेबसाइट को क्या करना चाहते हो, स्लो करना चाहते हो, है ना, तो अगर आपने क्या किया, 10 सिस्टम से बैठ करके कंटिन्यूअस या 10 या 1000 सिस्टम से बैठ करके कंटिन्यूअसली इस flipkart.com को क्या करना, पिंग करना स्टार्ट किया और उसमें अपने पैकेट के साइज को क्या कर दिया, बढ़ा दिया, तो ये वेबसाइट जिस भी सर्वर के ऊपर होस्ट होगी उसकी बैंडविड्थ क्या होगी, कंज्यूम होगी, और बैंडविड्थ कंज्यूम होगी तो ये सर्वर जो है वो आपका स्लो रिप्लाई देने लगेगा। आ रहा है समझ में? तो इस तरीके के अटैक को हम क्या बोलते हैं, डॉस अटैक बोलते हैं। तो डॉस अटैक से भी अगर आपको बचना है तो आप अपने नेटवर्क के अंदर क्या लगा सकते हो, फायरवॉल लगा सकते हो, और फायरवॉल के बाद में फिर आप क्या करो, जैसे मैंने यहां पर क्या किया, फायरवॉल लगाया, फायरवॉल से फिर मैंने क्या लगा दिया, स्विच लगा दिया, और स्विच से मैंने मेरे यहां पर क्या लगा दिए, सर्वर लगा दिए, और इस फायरवॉल के ऊपर मैंने क्या कर दिया, पॉलिसी बना दी कि भाई जब भी आईसीएमपी का कोई पैकेट आएगा, आईसीएमपी मीन्स, आईसीएमपी क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब आप पिंग करते हो तो जो इको रिक्वेस्ट और इको रिप्लाई जो आता है वो कौन सा प्रोटोकॉल सेंड करता है, आईसीएमपी सेंड करता है। तो मैंने क्या बोला कि जब भी कोई आईसीएमपी का पैकेट आए तो वो 64 बाइट से ज्यादा का नहीं आना चाहिए। तो 64 बाइट से ज्यादा का आता है तो मैं उसको बोल सकता हूं कि आप उसको क्या करो, ड्रॉप करो। तो आपने एक केस देखा जब मैंने इसको पिंग किया, है ना, इसको पिंग किया और मैंने क्या किया, 1000 बाइट का डेटा भेजा, तो उसमें से उसने ड्रॉप नहीं किया, उसको केवल 64 बाइट डेटा को उसने एक्सेप्ट किया। और आपने फिर देखा एक दूसरा, मैंने आईपी को पिंग किया 192.168.43.1, इसको मैंने पिंग किया और 1000 बाइट का जब डेटा भेजा तो इसने उसको ड्रॉप करना स्टार्ट कर दिया। मतलब यहां पर क्या पॉलिसी लगी होगी कि इन्होंने कोई भी एक लिमिट दे दी होगी कि भाई इस लिमिट से ज्यादा का पैकेट आता है तो उसको ड्रॉप करो, और यहाँ पर क्या पॉलिसी लगी है कि भाई जो 64 बाइट है उससे ज्यादा का अगर डेटा आता है तो उसको ड्रॉप नहीं करना है, उसको क्या करना है, ओनली कितनी भी बाइट का डेटा आए पर एक्सेप्ट आपको कितने बाइट करना है, उसमें से ओनली 64 बाइट को ही क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। तो ये सिक्योरिटी लगाई जाती है किसके ऊपर, फायरवॉल्स के ऊपर, या फिर हमारे नेटवर्क के अंदर एक डिवाइस आती है जिसको हम बोलते हैं इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम, IPS, है ना, और इसका ओल्ड नेम जो था वो क्या था, IDS,
इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम और इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम, ठीक है। तो ये आईपीएस डिवाइस हो गया, ठीक है। उसके बाद में एएसए हो गया, एडाप्टिव सिक्योरिटी अप्लायंस, तो इनके थ्रू आप इनको कंट्रोल कर सकते हो। उसके बाद फायरवॉल का और क्या यूज है, टू प्रिवेंट इनलीगल मॉडिफिकेशन एक्सेस टू द इंटरनल डेटा बाय आउटसाइडर अटैकर्स। मतलब फायरवॉल अगर लगा हुआ होगा तो आउटसाइडर कोई भी बंदा आपके नेटवर्क के अंदर एंटर, अननोन पर्सन जो है आपके नेटवर्क के अंदर एंटर नहीं हो सकता। अगर वो एंटर नहीं होगा तो आपके सर्वर वगैरह के डेटा को एक्सेस नहीं कर पाएगा, है ना, या आपके डेटा के अंदर कोई भी मॉडिफिकेशंस नहीं कर पाएगा। तो ये सारे रीजंस है डॉस अटैक से आपको बचना है, अननोन पर्सन आपके नेटवर्क के अंदर क्या ना हो, कोई अटैकर आपके नेटवर्क के अंदर एंटर ना हो, या कोई कॉम्पिटिटिव कंपनीज है, ठीक है, या कोई आपके नेटवर्क का कोई एक्स एम्प्लॉय है जो आपकी कंपनी को क्या करना चाह रहा है, नुकसान पहुंचाना चाह रहा है, या कोई क्रिमिनल है जो आपके डेटा वगैरह को क्या करना चाह रहा है, डैमेज करना चाह रहा है। तो इन सब प्रॉब्लम से बचने के लिए हम क्या करते हैं, फायरवॉल लगाते हैं और फायरवॉल्स के ऊपर हम रूल्स बनाते हैं। जैसे आप लोगों ने ACL में रूल्स बनाए हैं ना, CCNA के अंदर आपने पढ़ा होगा एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, तो इस ACL के अंदर आपने जो रूल्स बनाए हैं वैसे सेम रूल्स जो होते हैं, सिमिलर काइंड ऑफ रूल्स जो होते हैं फायरवॉल के ऊपर बनते हैं। पर ACL में आपके पास में लिमिटेड ऑप्शंस थे और फायरवॉल में आपके पास में जो है वो बहुत ज्यादा ऑप्शंस थे, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये चीजें सर, यस, अगर हम सर अगर आईपी बेस कोई कैमरा है, हाँ सर, अगर हम उस कैमरा पे अगर हम 10,000 लोड दे के अगर पिंग करें तो कैमरा में क्या प्रॉब्लम आएगा सर? इसमें बैंडविड्थ कंज्यूम होगी तो आपका वीडियो क्वालिटी वगैरह में प्रॉब्लम आने लगेगी। अच्छा ठीक है, थैंक यू सर। है ना, आईपी फोन्स वगैरह है तो उसमें वॉइस वगैरह ये सब सारी चीजों की क्या होगी, प्रॉब्लम आएगी। अब क्या बोल रहा है, मॉडर्न फायरवॉल डिजाइन। अब आज के समय में जब हम फायरवॉल क्या करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, तो नेटवर्क किस तरीके से डिजाइन होता है, तो एक आप देख रहे हैं यहाँ पर मेरे पास में इंटरनेट है, ठीक है, तो ये जो फायरवॉल है ये वाली जो लिंक है ये किससे कनेक्ट है, इंटरनेट, तो इसको हम क्या बोलते हैं, आउटसाइड नेटवर्क बोलते हैं। ये जो पोर्ट है वो हमारा क्या है, इनसाइड नेटवर्क है, और एक नेटवर्क जो होता है वो हमारा क्या होता है, DMZ, डीमिलिटराइज्ड जोन, आप जो देख रहे हैं ना, जो इंटरनल लेन है इसको हम इनसाइड बोलते हैं, इंटरनेट जो होता है वो आउटसाइड होता है, और ये हमारा DMZ। तो मेरे फायरवॉल जो उसके 2-3 मल्टीपल पोर्ट्स हो सकते हैं, 2 पोर्ट्स भी हो सकते हैं, फायरवॉल पे 4 भी हो सकते हैं। तो ये तो जनरली क्या होता है, जो फायरवॉल डिफाइन द ट्रैफिक पॉलिसीज बिटवीन सिक्योरिटी जोन्स या नेटवर्क सेगमेंट, ये हमारे पास में क्या है, अलग अलग जो है वो क्या है, नेटवर्क सेगमेंट्स है, मल्टीपल हमारे पास में यहाँ पर जो है वो नेटवर्क सेगमेंट्स है। तो एक सेगमेंट जो है वो क्या है, इनसाइड है, तो मोस्ट ट्रस्टेड, ठीक है, नेटवर्क्स जो इनसाइड जो होता है ना उसको क्या बोलते हैं, मोस्ट ट्रस्टेड नेटवर्क्स, जहां पर लैन यूजर्स होंगे और एंड पॉइंट होंगे, एंड पॉइंट, या फिर आप बोल सकते हो क्या, एंड डिवाइसेस। एंड डिवाइसेस मतलब आपका क्या हो सकता है, PC हो सकता है, सर्वर हो सकता है, ठीक है, उसके बाद IP फोन हो सकता है, IP कैमरा हो सकता है ना, तो ये प्रिंटर हो सकता है, स्कैनर हो सकता है, तो ये सब एंड डिवाइसेस है। तो ये सारी की सारी जो चीजें होगी वो हमारी कहां पर रहेगी, इस लेन के अंदर यहां पर रहेंगे, है ना। तो हमारे PC हो गए, सर्वर हो गए, तो ये सब हम कहां पर रखेंगे, इसके अंदर, मोस्ट ट्रस्टेड नेटवर्क के अंदर, इनसाइड को बोलते हैं। आउटसाइड नेटवर्क क्या होता है, अनट्रस्टेड नेटवर्क होता है, इंटरनेट, जिसके ऊपर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। और एक क्या होता है आपका, डीमिलिटराइज्ड जोन, ठीक है, मेंटेन पब्लिक सर्वर्स सर्विसेज एक्सेसिबल फ्रॉम द लैन एंड इंटरनेट। मतलब ये जो DMZ जो है ना, डीमिलिटराइज्ड जोन, इसके अंदर आप क्या रखते हो, पब्लिक सर्वर्स रखते हो, जैसे आपका DNS सर्वर हो गया, वेब सर्वर हो गया, मेल सर्वर हो गया, है ना। तो ऐसे सर्वर्स जो आपको बाहर से क्या करने पड़ते हैं, एक्सेस करने पड़ते हैं। जैसे ये सपोज करो, ये आपका जो है वो कहां पर है, ऑफिस इंदौर के अंदर है, बट आप इंटरनेट से कनेक्ट हो और आप कहां पर बैठे हुए हो, भोपाल के अंदर बैठे हुए हो, तो आप इस भोपाल से बैठ करके आप इस मेल सर्वर को एक्सेस करना चाहते हो, या यहां से बैठ करके आप
इस वेब सर्वर को क्या करना चाहते हो, एक्सेस करना चाहते हो, तो ऐसे सर्वर्स या ऐसी मशीन्स जो आप इंटरनेट से क्या करना चाहते हो, एक्सेस करना चाहते हो, या आउटसाइड से आप उनको एक्सेस करना चाहते हो, तो उन मशीन्स को हम कहां पर लगाते हैं, डीएमजी के अंदर। पर ध्यान रहे, जो आपका इंटरनल नेटवर्क होता है और डीएमजी जो होता है, वो दोनों आप ही के कंपनी के नेटवर्क्स होते हैं। पर ऐसी डिवाइस जो मुझे बाहर साइड से एक्सेस करना पड़ता है, तो वो मैं कहां पर लगाता हूं, डीएमजी के अंदर लगाता हूं, है ना? समझ में आया कि नहीं? जैसे मेल सर्वर होता है, मेल सर्वर्स के ऊपर आपके सारे ईमेल सेंड और रिसीव होते हैं, यहां पर आपकी कोई वेबसाइट रखी हुई है, यहां पर आपका डीएनएस सर्वर रखा हुआ है, तो डीएनएस सर्वर नेम रिजोल्यूशंस वगैरह के लिए, ये सब सारी चीजें। और यहां पर जो कंप्यूटर्स लगे हुए होते हैं ना, तो इनको वो मशीन इनसाइड नेटवर्क में मैं वो कंप्यूटर्स या वो सर्वर मशीन लगाता हूं जो मुझे बाहर से क्या नहीं करना पड़ता है, एक्सेस नहीं करना पड़ता है, तो उनको हम कहां पर लगाते हैं, इनसाइड में। तो इस तरह आजकल जो नेटवर्क डिजाइन होता है वो इस तरीके से डिजाइन होता है, एक इनसाइड नेटवर्क होगा, एक आपका आउटसाइड नेटवर्क होगा और एक आपका डीएमजी होगा। बट इनसाइड एंड आउटसाइड बोथ आर दी पार्ट ऑफ दी लेन, ये आपके लेन का, आपकी कंपनी का ही ये क्या होगा, एक पार्ट होगा, ठीक है। उसके बाद कॉमन फायरवॉल टेक्नोलॉजीज। अब फायरवॉल हमारे पास में जो टेक्नोलॉजी है वो कितने प्रकार के है, तो फायरवॉल, ठीक है, ऑपरेशंस आर बेस्ड ऑन वन ऑफ दिस टेक्नोलॉजीज। तो कोई भी फायरवॉल हो वो इनमें से किसी एक टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करेगा। तो जैसे आपका क्या हो गया, स्टेटलेस पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल, दूसरा आपका क्या हो गया, स्टेटफुल पैकेट फिल्टरिंग। तो स्टेटलेस पैकेट फिल्टरिंग मतलब क्या हो गया, ACL। तो मैंने आपको डेमो के अंदर भी बताया था कि अगर आपके पास में कोई राउटर है और उस राउटर के ऊपर आप क्या कर देते हो, ACL कॉन्फ़िगर कर देते हो, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, तो आपका राउटर जो है वो एक फायरवॉल का काम करने लग जाता है, क्योंकि ACL जो हम यूज करते हैं, सो ACL हम क्यों यूज करते हैं, फॉर द सिक्योरिटी पर्पस, सिक्योरिटी के लिए हम क्या करते हैं, ACL को यूज करते हैं। तो अगर आप राउटर के ऊपर कोई भी ACL जो है वो क्या करोगे, कन्फिगर करोगे, ठीक है, तो आपका राउटर जो है वो एक फायरवॉल का काम करने लगता है और वो क्या होगा, आपका स्टेटलेस पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल होगा। एक फायरवॉल होता है आपका क्या, स्टेटफुल पैकेट फिल्टरिंग, मतलब स्टेटफुल फायरवॉल। तो स्टेटफुल फायरवॉल्स कौन कौन से होते हैं, जैसे ASA हो गया, फॉलो अल्टो हो गया, चेक पॉइंट हो गया, तो ये सब जो है ये आपके किस में आते, स्टेटफुल फायरवॉल्स के अंदर आते हैं। और स्टेटफुल फायरवॉल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, अभी आगे मैं बताऊंगा, ये कनेक्शन टेबल्स जो है वो क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। तो अभी आगे मैं क्लियर करूंगा कि स्टेटफुल फायरवॉल जो होता है वो कैसे काम करता है आपका। थर्ड टाइप का जो फायरवॉल होता है वो आपका क्या होता है, एप्लीकेशन लेवल गेटवेज या वेब प्रॉक्सी फायरवॉल, ठीक है। तो ये जो है वो आपका जो एप्लीकेशन लेयर जो होती है ना, लेयर 7 जो होती है, उस लेयर 7 के ऊपर फिल्टरिंग करने का काम करता है ना। और ये जो चीज है ये आपका लेयर 3 एंड लेयर 4 के ऊपर क्या करता है, फिल्टरिंग करता है। आपका स्टेटफुल फायरवॉल जो होता है वो आपका क्या करता है, लेयर 3 टू लेयर 7 जो है वो फिल्टरिंग करने का काम करता है। समझ में आ रहा है? वैसे ही फोर्थ कैटेगरी जो है हमारे पास में वो क्या है, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल, ठीक है। तो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल जैसे आपका जो ASA है उसको भी हम क्या बोलते हैं, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल बोल सकते हैं। नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल्स जो होते हैं उसके अंदर आजकल क्या हो गया है कि जो नेक्स्ट, जैसे पहले क्या होता था आपके पास में, सिक्योरिटी के लिए एक अलग से डिवाइस आती थी और एक IPS जो डिवाइस है वो आपके पास में क्या होता था, अलग से आता था। पर आजकल जो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल्स आ रहे हैं ना, उसके अंदर आपका फायरवॉल प्लस IPS इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम, इन दोनों के फीचर्स आपको क्या हो रहे हैं, उसके अंदर मिल रहे हैं, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, नेक्स्ट जनरेशन। तो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल जो है वो आपका एक नॉर्मल फायरवॉल से क्या होता है, एडवांस होता है, इसके अंदर फीचर्स जो होते हैं थोड़ा सा रिपीट करेंगे, सॉरी कौन सा क्या बोला आपने, कौन सा रिपीट करने के लिए, हेलो सर, ये IPS टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ थोड़ा बताएंगे, ठीक है।
आईपीएस जो है ना आपका होता सिक्योरिटी डिवाइस ही है। राकेश अभी हम जो पढ़ेंगे वो एएसए फायरवॉल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और ये जो आईपीएस जो है ना इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम्स, इसके ऊपर क्या होते हैं मल्टीपल क्या होते हैं सिग्नेचर्स जो होते हैं वो डिफाइन होते हैं। और वो किस टाइप के सिग्नेचर्स, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जो आईसीएमपी का एक तो पैकेट आया ना, कि आईसीएमपी का पैकेट 64 बाइट से ज्यादा का एक्सेप्ट नहीं हो रहा है ना, 64 बाइट से ज्यादा का एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, वो जस्ट बिकॉज ऑफ आईपीएस के कारण। आईपीएस के अंदर हम क्या कर सकते हैं, ऐसे सिग्नेचर्स हम क्या कर सकते हैं क्रिएट कर सकते हैं कि भाई कोई पर्टिकुलर सर्विस है या कोई पर्टिकुलर प्रोटोकॉल है तो उसके कितने पैकेट्स पर सेकंड क्या हो एक्सेप्ट हो, या किसी सर्विस का डेटा आ रहा है, जैसे आपका एफटीपी है, एफटीपी का डेटा आ रहा है तो वो कितने बाइट का डेटा आए, या एफटीपी का अगर मैंने बोला कि भाई वो 10 Mbps से ज्यादा अगर एफटीपी क्या कर रहा है, यूज कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो उन सब चीजों को अगर हमारे को क्या करना है ब्लॉक करना है तो आप क्या कर सकते हो आईपीएस के अंदर आप कर सकते हो, इसमें आपके पास में ज्यादा। तो ये आईपीएस क्या होता था पहले, ज्यादातर लोग डिवाइस यूज करते थे, है ना, फायरवॉल में अलग रूल्स बनते थे और आईपीएस में जो है वो अलग रूल बनते थे। बट आजकल जो नई फायरवॉल्स आ रही है ना, जिसको हम नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल बोलते हैं, उसके अंदर क्या हो रहा है दोनों के फीचर्स हमारे को मिल रहे हैं। तो आजकल ज्यादातर आपको नेटवर्क के अंदर आईपीएस डिवाइस जो वो देखने के लिए नहीं मिलेगा। सर हम लोग जो एएसए पढ़ रहे हैं वो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल पढ़ रहे हैं। है ना, इसका जो एएसए का जो है वो हम अभी हम क्या करेंगे, ज्यादातर जो अभी जो वर्जन यूज हो रहा है वो 8.4 8 की सीरीज का वर्जन ज्यादातर यूज हो रहा है एएसए का, बट इसकी 9 की सीरीज भी आ चुकी है, तो मैं आपको 8 और 9 दोनों के ऊपर क्या करूंगा बताऊंगा, ठीक है सर। जो चेक पॉइंट और पैरेलल टू ये नेक्स्ट जनरेशन है या स्टेटफुल में आता है, किसमें वो आपका जो स्टेटफुल में आता है ना, वो जो है आपका स्टेटफुल पॉलो ऑल्टो आपका नेक्स्ट जनरेशन में आएगा, है ना, चेक पॉइंट। तो अगर उसमें अगर वो फायरवॉल इंस्टॉल करना है तो हमें अलग से आईपीएस लगाना पड़ेगा? नहीं लगाना जरूरी नहीं, देखो आईपीएस के ऊपर रूल अलग बनते हैं, है ना, उसके अंदर अलग रूल है और चेक पॉइंट पे जो रूल है वो अलग है। तो चेक पॉइंट में भी आपको सिक्योरिटी तो मिलेगी, पर जो आईपीएस का जो काम हो रहा है ना वो ज्यादातर वो ज्यादा फीचर आपको इसमें चेक पॉइंट में नहीं मिलेंगे, आ रहा समझ में। बट अब जो एएसए जो आ रहा है या पालो अल्टो जो आ रहा है ना, या 48 फायरवॉल्स वगैरह है, तो इनके अंदर आपको क्या होते हैं कि अब ये आईपीएस के फीचर्स इन्होंने क्या कर दिए इंक्लूड कर दिए। जो एएसए फायरवॉल आता है ना एक्चुअल में, तो इसके अंदर आईपीएस का एक अलग से मॉड्यूल आता है, वो मॉड्यूल आप एएसए के अंदर लगा सकते हो। जैसे आपने वो एनएम मॉड्यूल्स वगैरह देखे हैं, जो सीरियल पोर्ट्स वगैरह के लिए हम एडिशनल कार्ड वगैरह लगाते हैं राउटर्स के अंदर, किसी ने अगर देखा हो तो आप क्या करते हो, जैसे अगर आपके पास में ये हार्डवेयर है, ये आपके पास में क्या एक एएसए है, तो इसके अंदर क्या कर सकते हो आप अलग से एक आईपीएस का क्या कर सकते हो, एक मॉड्यूल अलग से लगा सकते हो, है ना, आईपीएस का एक अलग से मॉड्यूल लगा सकते हो। तो यही फायरवॉल का भी काम करने लग जाएगा और यही आईपीएस का काम भी करने लग जाएगा, आपको अलग से आईपीएस डिवाइस पे डेडिकेटेड परचेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये चीज है इसका। उसके बाद अब हम देखते हैं कि पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल कैसे काम करता है। पैकेट फिल्टरिंग एक्चुअल में क्या होता है, तो फायरवॉल इंस्पेक्ट एंड फिल्टर डेटा पैकेट बाय पैकेट। तो आपका जो फायरवॉल है तो वो डेटा को क्या करता है, तो फिल्टर डेटा पैकेट बाय पैकेट फिल्टर करता है और उसको क्या करता है इंस्पेक्ट करने का काम करता है, जनरली अकम्प्लिश्ड बाय कॉन्फ़िगरिंग ACL ऑन राउटर्स एंड स्विचेस, है ना। अगर आपने आपके राउटर के ऊपर क्या कर दिया ACL कॉन्फ़िगर कर दिया, या आपके स्विच के ऊपर आपने ACL कॉन्फ़िगर कर दिया, तो वो आपका क्या बन जाता है, पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल बन जाता है। ACL इज अ टेबल ऑफ, ठीक है, पैकेट फिल्टर रूल्स। तो जो ACL होता है, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट होता है, उसके अंदर क्या होता है, ACL के अंदर आप नंबर ऑफ क्या कर सकते हो, स्टेटमेंट डिफाइन कर सकते हो, या नंबर ऑफ रूल्स आप क्या कर सकते हो डिफाइन कर सकते हो, और उसमें क्या बताते हो किसको डिनाई करना है और किसको परमिट करना है, समझ में आ रहा है ना। तो ये सब सारी चीजें जो है वो हम लोग क्या करते हैं इसके अंदर डिफाइन करते हैं। अब ACL जो होता है अलाउ और ब्लॉक द पैकेट्स बेस्ड ऑन, ACL किसके बेस पे आपका पैकेट अलाउ या ब्लॉक करता है, तो वो सोर्स एंड डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, प्रोटोकॉल्स, प्रोटोकॉल मतलब टीसीपी हो गया, या आपका यूडीपी हो गया, या आपका आईपी हो गया, या आपका आईसीएमपी हो गया,
तो इन प्रोटोकॉल्स को भी आप ब्लॉक कर सकते हो। सोर्स एंड डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर, जैसे मैंने बोला कि भाई टीसीपी के पोर्ट नंबर 23 को ब्लॉक कर दो या टीसीपी के पोर्ट नंबर 22 को ब्लॉक कर दो, तो यहाँ पर एसएसएच ब्लॉक हो जाएगा, यहाँ पर आपका टेलनेट ब्लॉक हो जाएगा एंड वेरियस अदर पैरामीटर्स विद इन द आईपी हेडर। तो एसीएल जो है इसके बेस पे क्या करता है, पैकेट को ब्लॉक करता है। तो ये आपका क्या होता है, पैकेट फिल्टरिंग होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आपके पास में क्या लिखा हुआ है, इनकमिंग एसीएल। इस पोर्ट के ऊपर जब एसीएल इनकमिंग डायरेक्शन में लगा रखा है, एक्सेस लिस्ट 100 परमिट टीसीपी एनी ईक्यू डब्ल्यू और एनी, मतलब अगर इधर से कोई पैकेट आता है तो यहां पर मैंने क्या लिखा हुआ है, कोई भी एनी का मतलब कोई भी सोर्स हो, अगर उसमें क्या लगा हुआ है वो इक्वल डब्ल्यू डब्ल्यू, डब्ल्यू डब्ल्यू मतलब क्या हो गया, वेब पेज। तो टीसीपी का क्या होगा यहां पर, पोर्ट नंबर 80 है ना, डब्ल्यू डब्ल्यू का मतलब क्या हो गया कि वो किसकी बात कर रहा है, टीसीपी के पोर्ट नंबर 80 की बात कर रहा है। तो इधर से अगर एचटीटीपी राइट है ना, एचटीटीपी, क्योंकि वेब पेज को एक्सेस करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कोई भी वेब पेज हो उसको एक्सेस करना है तो हम एचटीटीपी का यूज करते हैं। क्लियर हो गया, सो इस तरीके से क्लियर हुआ। सो पीयर टू पीयर ट्रैफिक यूजिंग पोर्ट नंबर 80 इज परमिटेड थ्रू एक्सेस लिस्ट 100 फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, मतलब आउटसाइड से अगर इनसाइड ट्रैफिक जाता है, ठीक है, तो वहां पर आपका जो एचटीटीपी का ट्रैफिक है वो क्या हो जाएगा, परमिट हो जाएगा। बाकी आपको एसीएल में आपने पढ़ा होगा एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, तो उसमें एक रूल होता है एक्सेस कंट्रोल लिस्ट में, क्या होता है कि आपने जो भी परमिट करना है, डिनाई करना है, वो डिनाई कर दो, पर लास्ट में आपको परमिट एनी का स्टेटमेंट देना पड़ता है। अगर आप लास्ट में परमिट एनी का स्टेटमेंट नहीं देते हो, जैसे मैंने यहाँ पर नहीं दे रखा है, तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, डिनाई ऑल का स्टेटमेंट जो है वो क्या हो जाता है, यहाँ पर अप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि केवल आउटसाइड से इनसाइड जो है वो वेब का ट्रैफिक जाएगा, इसके अलावा सारा ट्रैफिक जो है वो आपका क्या हो जाएगा, डिनाई हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पर किसी और के बारे में कुछ भी बता नहीं रखा है, मैंने यहाँ पर परमिट ऑल जो है वो नहीं दे रखा है। समझ आ गया। उसके बाद स्टेटफुल पैकेट इंस्पेक्शन, स्टेटफुल पैकेट इंस्पेक्शन क्या होता है अब वो समझते हैं। तो क्या बोल रहा है, अलाउ, ठीक है, कनेक्शन, ठीक है, ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द होस्ट टू इनसाइड ट्रस्टेड इंटरफेस बट ड्रॉप कनेक्शंस अटेम्प्ट ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द होस्ट ऑन द आउटसाइड, मतलब ट्रस्टेड इंटरफेस। तो स्टेटफुल पैकेट इंस्पेक्शन क्या करता है कि जो आपका ट्रस्टेड नेटवर्क है, ट्रस्टेड नेटवर्क मतलब क्या हुआ, ये वाला यहां पर जो यूजर्स बैठे हुए, ये आपका क्या है, ट्रस्टेड नेटवर्क ये वाला, और ये जो है वो आपका क्या है, अनट्रस्टेड। तो अगर आपके इस ट्रस्टेड नेटवर्क से कोई बंदा बाहर के सर्वर को क्या करता है, एक्सेस करता है, तो इधर से ट्रैफिक आपका गया, ठीक है, और ट्रस्टेड से वो अनट्रस्टेड में जाना चाह रहा है, तो वो उसको आउटसाइड क्या कर देगा, भेज देगा, और इस फायरवॉल के एक ऊपर एक कनेक्शन टेबल बनेगी, कनेक्शन टेबल, और उस कनेक्शन टेबल के अंदर एंट्री हो जाएगी कि भाई ये जो यूजर है वो बाहर गया था और उसने इस सर्वर को क्या किया है, एक्सेस किया है। अब इधर बाहर से जब उसका रिटर्न ट्रैफिक आया, यहां पर आप देख रहे हैं, तो ये जो रिटर्न ट्रैफिक आया ना, तो उसको वो कनेक्शन टेबल के अंदर क्या करेगा, मैच करेगा, और उस कनेक्शन टेबल के अंदर इस सर्वर और इस यूजर की अगर एंट्री मिलती है तो वो उसको क्या कर देगा, परमिट कर देगा। तो ये आपका स्टेटफुल पैकेट फिल्टरिंग का काम है। बट अगर आप सेकेंड डायग्राम में आप देख रहे हो, तो ये जो बाहर जो यूजर है, ये ओरिजिनेटिंग ट्रैफिक, ये बाहर वाला यूजर जो है यहां से बैठ करके इस सर्वर को क्या करना चाहता है, एक्सेस करना चाहता है। तो इधर से ट्रैफिक आया, तो जब यहां पर ट्रैफिक आता है इस आउटसाइड पोर्ट के ऊपर, आउटसाइड या इसको आप क्या बोलते हो, अनट्रस्टेड, तो इस अनट्रस्टेड पोर्ट के ऊपर जब बाहर से कोई ट्रैफिक आता है, तो वो ये चेक करता है, सबसे पहले क्या चेक करता है, एसीएल चेक करता है कि यहां पर कोई एसीएल लगी है या नहीं लगी है। अगर एसीएल लगी तो फिर उसमें देखता है कि ट्रैफिक परमिट है या डिनाई है। अब अगर कोई एसीएल नहीं लगी तो फिर वो दूसरी चीज क्या चेक करता है, वो चेक करता है कनेक्शन टेबल, वो यहां पर
इस पोर्ट के इस फायरवॉल के ऊपर कनेक्शन टेबल देखेगा और उस कनेक्शन टेबल के अंदर देखेगा कि क्या इस सर्वर और इस सर्वर के लिए कोई एंट्री है। अगर एंट्री होगी तो वो उसको परमिट कर देगा, पर अभी तो पैकेट क्या हो रहा है, बाहर से ओरिजिनेट हो रहा है, तो इसकी कनेक्शन टेबल के अंदर कोई एंट्री नहीं होगी तो यहाँ पर ट्रैफिक क्या हो जाएगा, डिनाई हो जाएगा। तो समझ में आ रहा है कि स्टेटफुल पैकेट इंस्पेक्शन कैसे होता है। अगर इनसाइड से कोई बंदा बाहर जाता है तो बाहर से उसका ट्रैफिक जो है वो इनसाइड आ जाएगा, पर अगर कोई डायरेक्ट बाहर से आता है तो वो मेरे नेटवर्क में एंटर नहीं हो सकता, कब तक के, जब तक के मैं उसको ACL के अंदर जाकर के परमिट ना कराऊं। अगर आप बाहर के किसी यूजर को इनसाइड नेटवर्क में पर एंट्री देना चाहते हो तो आपको इस आउटसाइड पोर्ट के ऊपर एक ACL लगानी पड़ेगी और उस ACL में इस सर्वर को आपको क्या कराना होगा, परमिट कराना होगा, तब जाकर के। तो आपने देखा यहाँ पर बाय डिफॉल्ट आपका ट्रैफिक क्या हो रहा है, डिनाई हो रहा है। जैसे ही बाहर से कोई ट्रैफिक आए तो वो यहाँ पर क्या हो रहा है, डिनाई हो रहा है। पर इस वाले डायग्राम में जो है पैकेट फिल्टरिंग के अंदर क्या होता है, ऐसा नहीं होता है। पैकेट फिल्टरिंग के अंदर आपको इस पोर्ट के ऊपर ACL बनाना पड़ेगा, यहाँ पर इस पोर्ट के ऊपर ACL लगाना पड़ेगा और ACL लगा करके आपको क्या करना होगा, जिस ट्रैफिक को परमिट करना है उसको परमिट कराओ, बाकी सबको क्या कर दो, डिनाई करा दो। अगर आपने इस पोर्ट के ऊपर ACL नहीं लगाई तो इधर से जो भी ट्रैफिक आएगा वो ट्रैफिक क्या हो जाएगा, आपका परमिट हो जाएगा। तो पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल के अंदर क्या होता है, आपको जिसको भी डिनाई करना है उसको डिनाई बताना पड़ेगा और जिसको परमिट करना है उसको परमिट बताना पड़ेगा। अगर आप नहीं बताते हो, मतलब अगर आप कोई ACL नहीं लगाते हो, तो आपका ट्रैफिक जो है क्या हो जाता है, अलाउ हो जाता है, जो नॉर्मली राउटर पे होता है। राउटर में आपने देखा है कि अगर यहाँ पर एक राउटर है, इधर एक PC लगा हुआ है और इधर एक PC लगा हुआ है, अगर मैंने इन पोर्ट के ऊपर कोई ACL नहीं लगा रखी तो ये दोनों PC एक दूसरे को बाय डिफॉल्ट क्या करते हैं, डेटा ट्रांसफर करना स्टार्ट कर देते हैं। ये चीज, तो ये स्टेटफुल, तो हमने देखा पैकेट फिल्टरिंग कैसे काम करता है, स्टेटफुल पैकेट इंस्पेक्शन कैसे काम करता है। अब स्टेटफुल पैकेट फिल्टरिंग है ना, तो क्या बोल रहा है, मॉनिटर्स द स्टेट ऑफ एक्टिव कनेक्शंस। तो आपका जो स्टेटफुल फायरवॉल होता है ना, तो वो क्या करता है, हमेशा क्या करता है, कनेक्शन क्या करता है, टेबल मेंटेन करता है। जैसे ये देख रहे हैं अभी ये ब्लैक कलर की लाइन जो जा रही, इस यूजर ने क्या किया, बाहर के सर्वर को एक्सेस किया, तो उसने क्या किया, एड सेशन एंट्री, उसके लिए क्या कर दी, एक एंट्री कर ली और चेक, ठीक है, फायरवॉल रूल्स और परमिट, मतलब जब यहां से वो क्या कर रहा है, ट्रैफिक आउट कर रहा है तो फायरवॉल्स के रूल देख लेगा और उसको क्या कर देगा, बाहर कर देगा। अब आउटसाइड से इधर आपका क्या आया, ट्रैफिक आया, तो इज द पैकेट, ठीक है, पार्ट ऑफ द एग्जिस्टिंग सेशन, मतलब इधर से जो पैकेट आया तो वो बोल रहा है कि क्या उसकी कनेक्शन टेबल के अंदर एंट्री है, अगर कनेक्शन टेबल के अंदर एंट्री है तो उसको वो आपके नेटवर्क के अंदर क्या कर देगा, सेंड कर देगा, परमिट करा देगा। और अगर एग्जिस्टिंग सेशन का पार्ट मेंबर नहीं है तो पैकेट आपका यहीं पर क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। तो ये आपकी क्या है, स्टेटफुल पैकेट फिल्टरिंग, मतलब फायरवॉल का जो है वर्किंग है। फिर यूजेस द इंफॉर्मेशन एंड डिटरमाइन विच नेटवर्क्स, ठीक है, पैकेट्स टू अलाउ थ्रू द फायरवॉल, ये भी देखता है। एनालाइज पैकेट डाउन टू द एप्लीकेशन लेयर, मतलब ये जो आपका है, तो मैंने अभी आपको बताया था, थ्री से लेकर के लेयर थ्री से लेकर के लेयर सेवन तक के ट्रैफिक को फिल्टर करने का काम करता है। एंड अलाउ एंड ब्लॉक द पैकेट बेस्ड ऑन सोर्स IP एड्रेस, डेस्टिनेशन IP एड्रेस, प्रोटोकॉल्स, सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट एंड वेरियस पैरामीटर्स विद इन द IP हेडर, तो इनके बेस पे ये फिल्टर करने का काम भी करता है। अब यहाँ पर देख सकते हो स्टेटफुल पैकेट फिल्टरिंग कैसे काम करता है। तो देखो ये जो होस्ट ए है, ये होस्ट ए क्या कर रहा है, इस होस्ट सी को क्या कर रहा है, डेटा भेज रहा है, ठीक है, और एक सॉरी, और होस्ट सी जो है वो आपका इनसाइड नेटवर्क में है, प्राइवेट नेटवर्क के अंदर है, और होस्ट ए जो है वो आपका कहां पर कनेक्ट है, इंटरनेट पे कनेक्ट है। तो इधर से जब डेटा आया, मतलब बाहर से कोई डेटा आ रहा है, इस डायरेक्शन में आपका डेटा आ रहा है ना, तो उसमें डेटा आपका यहाँ पर लग गया, प्रोटोकॉल कौन सा लग गया, HTTP, क्योंकि वो वेब पेज को एक्सेस कर रहा है, और यहाँ पर आपका सोर्स और यहाँ पर डेस्टिनेशन की इंफॉर्मेशन जो वो लग गई, ठीक है। इधर ट्रैफिक आया, यहाँ ट्रैफिक आएगा, तो जब वो ट्रैफिक यहाँ पर आएगा तो वो ये जो स्टेट टेबल बोलो या
कनेक्शन टेबल बोलो, दोनों का मतलब एक ही है ना, दोनों का मतलब एक ही है, कंफ्यूज नहीं होना, कनेक्शन टेबल या स्टेट टेबल। तो जब ये फायरवॉल के ऊपर जब ट्रैफिक आया ना, तो वो क्या करेगा, इस कनेक्शन टेबल को चेक करेगा और उसमें देखेगा कि क्या होस्ट ए और सी की यहाँ पर एंट्री है। अगर एंट्री होगी तभी उसको परमिट करेगा, क्योंकि ट्रैफिक जो आ रहा है वो आउटसाइड से आ रहा है। अगर स्टेट टेबल के अंदर एंट्री नहीं है तो फिर वो ACL के अंदर क्या होना चाहिए, परमिट होना चाहिए, फोर्सफुली आपको यहाँ पर ACL के अंदर जाकर के ट्रैफिक को परमिट कराना पड़ेगा। ओके, तो ये फिर स्टेटलेस पैकेट फिल्टरिंग। सो स्टेटलेस पैकेट फिल्टरिंग, स्टेटलेस पैकेट फिल्टरिंग जो ऑल्सो रेफर्ड एज अ एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, मतलब ये स्टेटलेस पैकेट फिल्टरिंग बोलो या आप क्या करो पैकेट फिल्टरिंग बोलो, दोनों का मीनिंग जो है वो क्या है, एक ही है। यहाँ पर दोनों का मीनिंग जो है वो एक ही है। सो एवेल्यूट्स पैकेट्स, ठीक है, कंटेंट्स स्टेटिकली एंड डज नॉट कीप ट्रैक ऑफ द स्टेट ऑफ नेटवर्क कनेक्शन। मतलब ये जो फायरवॉल होता है ये कोई कनेक्शन टेबल मेंटेन नहीं करता है, नो कनेक्शन टेबल, यहाँ पर कोई कनेक्शन टेबल मेंटेन नहीं होती है। अगर आपको इनसाइड से आउटसाइड जाना है तो भी यहाँ पर ट्रैफिक को आपको क्या करना होगा, ACL के अंदर परमिट करना पड़ेगा, और आउटसाइड से इनसाइड जाना है तो भी आपको यहाँ पर ट्रैफिक को क्या करना पड़ेगा, ACL के अंदर परमिट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपने ACL के अंदर डिनाई नहीं किया ट्रैफिक को तो बाहर से कोई भी पर्सन जो है वो आपके नेटवर्क के अंदर आ सकता है। तो जो आपका स्टेटफुल फायरवॉल होता है ना, स्टेटफुल पैकेट फिल्टरिंग, इसमें नॉर्मली क्या होता है कि बाहर से अगर कोई बंदा आता है तो उसका कनेक्शन हमेशा बाय डिफॉल्ट क्या होता है, ड्रॉप होता है, अगर आपने फोर्सफुली परमिट नहीं किया है तो। पर स्टेटलेस के अंदर ऐसा नहीं है, स्टेटलेस के अंदर क्या होगा, अगर कोई बंदा आउटसाइड से आता है और अगर आपने ACL के अंदर उसको डिनाई नहीं किया है तो वो क्या हो जाएगा, परमिट हो जाएगा, वो जो है परमिट हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से फिर स्टेटलेस पैकेट फिल्टरिंग, ACL टाइप्स, तो आप राउटर के ऊपर कितनी टाइप की ACLs यहां पर बना सकते हो। सो ठीक है, क्लासिक ACL कैन बी स्टैंडर्ड एंड एक्सटेंडेड। आपके पास जो ACL है वो या तो स्टैंडर्ड ACL हो सकती है, एक्सटेंडेड ACL हो सकती है। जैसे राउटर ACL है, आप लोगों ने ये CCNA के अंदर सभी लोगों ने पढ़ा होगा, IP फिल्टरिंग अप्लाइड ऑन लेयर 3 इंटरफेस। VLAN ACL आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, और पोर्ट ACL भी आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, है ना। जिन लोगों ने या तो CCNP किया है तो आई थिंक आपने VLAN ACL वहां पर पढ़ा होगा CCNP स्विच के अंदर, और पोर्ट ACL आपने पढ़ा होगा। या फिर जिन लोगों ने CCNA सिक्योरिटी किया है तो CCNA सिक्योरिटी के अंदर आप लोगों को VLAN ACL और पोर्ट ACLs के बारे में पढ़ाया जाता है। तो राउटर ACL जो है वो IP फिल्टरिंग अप्लाइड ऑन द लेयर 3 करता है, और VLAN ACL जो होता है वो IP एंड नॉन IP फिल्टरिंग अप्लाइड ऑन द VLAN लेवल। तो ये IP के बेस पे भी फिल्टरिंग कर सकता है, MAC के बेस पे भी फिल्टरिंग कर सकता है। वैसे ये जो है ना आपका पोर्ट ACL, ये भी आपका IP एंड MAC दोनों के बेस पे ये फिल्टरिंग जो है कर सकता है। समझ में आ गया। तो ये चीजें, तो ये आपका था स्टेटलेस पैकेट फिल्टरिंग। मतलब अगर आप क्या करना चाहते हो, जैसे ये आपके पास में राउटर है, ठीक है, इस पे आप इन तीनों में से क्या कर दो, कोई भी ACL लगा दो, तो वो आपका क्या बन जाएगा, स्टेटलेस पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल बन जाएगा। और ये आपका ASA है तो ये बाय डिफॉल्ट कैसे होता है, स्टेटफुल पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल होता है। और स्टेटफुल पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल में जब भी आउटसाइड से कोई डेटा आएगा तो बाय डिफॉल्ट, है ना, ये डिफॉल्ट आप बोल सकते हो, डिफॉल्ट ये जो है वो क्या होगा, ड्रॉप होगा। अगर आप उसको परमिट करना चाहते हो, जैसे इस PC को चाहते हो कि ये PC आपके नेटवर्क में एंटर कर सके, तो यहाँ पर आप ACL बनाओ और उस ACL के अंदर फोर्सफुली इस IP को आप क्या कराओ, परमिट कराओ। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, यहाँ से ड्रॉप होगा। तो अनट्रस्टेड नेटवर्क होता है ना ये, तो अनट्रस्टेड नेटवर्क से जब भी कोई आता है तो फायरवॉल उसको बाय डिफॉल्ट क्या करता है, ड्रॉप करता है, ताकि आपके नेटवर्क के अंदर सिक्योरिटी बनी रहे। ठीक है,
तो आज के लिए हम इतना ही देखते हैं, बाकी की जो चीजें हैं आपका एप्लीकेशन लेयर गेटवे क्या होता है, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल्स क्या होते हैं, ठीक है, विच फायरवॉल ऑप्शंस, ठीक है, सूट योर नेटवर्क, ठीक है, कौन कौन से वेंडर्स है, तो ये बाकी की जो चीजें हैं वो हम आगे की उसमें क्या करेंगे, क्लास में जो है मतलब कल हम इसको क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सो कल हम सेम टाइम के ऊपर क्या करेंगे, क्लास स्टार्ट करेंगे। तो अभी जो हमने पढ़ा है, अगर उसमें से किसी को कुछ डाउट है या आप लोगों की कुछ क्वेरीज है कोर्स को लेकर के या फायरवॉल को लेकर के या कोई और भी किसी भी प्रकार का अगर आप लोगों का कुछ डाउट है तो आप लोग जो है वो मेरे से अभी डिस्कस कर सकते हैं, कुछ भी आपके मन में कुछ भी क्वेरीज हो, क्वेश्चंस हो तो, ठीक है, बाकी फिर हम कल कंटिन्यू करेंगे। सर बाहर से अगर कोई ट्रैफिक आएगा तो डीएमजी में डायरेक्ट एक्सेस हो जाएगा या इसीलिए एसीएल लगाना पड़ेगा? इसके लिए भी देखो, बाहर से अगर कोई ट्रैफिक आता है, मतलब ये आप डायग्राम देख रहे हैं ना स्क्रीन पे मेरा, तो इधर से अगर कोई ट्रैफिक आएगा तो वो इस फायरवॉल के यहीं पर क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। अब डीएमजी जो होगा वो भी फायरवॉल से लगा हुआ है तो वो आपके डीएमजी में भी नहीं जा पाएगा और इंटरनल नेटवर्क में भी नहीं जा पाएगा। अगर आप उसको परमिट करना चाहते हो तो आपको मैन्युअली क्या करना होगा, अलाउ करना होगा। तो बाहर से कोई भी ट्रैफिक इंटरनल नेटवर्क में कभी भी नहीं जा पाएगा ना? कभी भी नहीं जा पाएगा, कोई भी ट्रैफिक हो बाहर से अगर ट्रैफिक आता है, दो ही केस में देखो, आउटसाइड से जब भी कोई ट्रैफिक आता है तो वो दो ही केस में परमिट करता है फायरवॉल। एक कौन सा केस, या तो आपने इस आउटसाइड पोर्ट पे एसीएल लगा रखी है और उसमें इसको आपने परमिट कर रखा है, समझ में आया। दूसरा केस कि इसकी कनेक्शन टेबल के अंदर इसकी एंट्री है तो परमिट हो जाएगा, पर देखो बाहर से अगर ट्रैफिक ओरिजिनेट होता है तो इसकी कनेक्शन टेबल में कभी एंट्री होगी नहीं। इसकी कनेक्शन टेबल में एंट्री कब होगी, जब इनसाइड का कोई यूजर इसको एक्सेस करेगा तब यहाँ पर कनेक्शन टेबल बनेगी, और जब ये रिप्लाई देगा तो फिर वो कनेक्शन टेबल को मैच करके फिर वापस क्या कर देगा, आपको नेटवर्क के अंदर भेज देगा। क्लियर हो गया? ओके ओके। जयदीप, आई डोंट नो अबाउट द एसीएल, सो एक एक्सेस कंट्रोल लिस्ट जो है ना, इसके लिए अगर आपने सीसीएनए राउटिंग स्विचिंग पढ़ा होगा ना भाई, तो उसके अंदर आपको ये पढ़ने के लिए मिलेगा ACL के बारे में, है ना। ACL का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो जिन लोगों को अगर पता नहीं है, मैं अभी आपको जैसे ACL हो गया, नेटिंग हो गया, तो जो आपने राउटिंग स्विचिंग के अंदर जो चीजें पढ़ी है ना, इनको एक बार आप लोग रिवाइज कर ले, ठीक है, तो आप लोगों को फायरवॉल समझने के में क्या होगा और इजी होगा, क्योंकि आप फिर फायरवॉल पे जो पॉलिसी बनाओगे उसको ACL के साथ में कोरिलेट करके देख सकते हो, तो आपको टेक्नोलॉजी अच्छे से क्या होगी, समझ में आएगी, ठीक है। ओके, थैंक यू। और किसी का कुछ क्वेश्चंस है? सर ये VLAN ACL और पोर्ट ACL पढ़े हैं सर, इसको अप्लाई कहाँ पे करते हैं और क्यों करते हैं सर? ठीक है, VLAN जो आपका पोर्ट ACL है, PACL जो होता है वो तो आप किस पे, स्विच पे है ना, स्विच पे, और VLAN जो ACL जो होता है वो क्या कर सकते हो, स्विच पे अप्लाई कर सकते हो। तो VLAN ACL के अंदर आप क्या कर सकते है ना, उसमें आप बता सकते हो कि भाई जैसे VLAN 10 है, VLAN 10 के अंदर अगर आपका कोई ट्रैफिक क्या हो रहा है, फॉरवर्ड हो रहा है, तो वो किसी पर्टिकुलर आईपी से, तो उसके अंदर आप दे सकते हो। पोर्ट ACLs के अंदर आप उसको आप स्विचेस के अंदर पोर्ट्स के ऊपर लगा सकते हो, मैक एड्रेस वगैरह आप उसमें डिफाइन कर सकते हो, है ना। तो बहुत टाइप की ACL है, स्टैंडर्ड ACL है, एक्सटेंडेड ACL है, VLAN ACL है ना, और आपका टाइम बेस्ड ACL होता है, ARP ACL होता है, मैक ACL होता है, तो आप अलग अलग कोर्स के अंदर क्या पढ़ोगे, अलग अलग वो चीजें पढ़ोगे, बट ये सब सिक्योरिटी के अंदर आती है। तो अगर आप CCNP स्विच किया हुआ है या CCNA सिक्योरिटी किया हुआ है तो डेफिनेटली आपको ये दोनों ACLs वहां पर पढ़ने के लिए मिली होगी, है ना। ओके, तो और कुछ चीजें ऐसी रहे तो नए पॉइंट्स लगे तो उसको जैसे आज हमने जो भी चीजें पढ़ी है ना, तो उसमें अगर आपको कहीं पर कुछ डाउट आता है तो आप एक बार अपने बेस पे सेल्फ स्टडी कर लो, जैसे अब कल शाम तक के आपके पास में टाइम है तो आप लोग उसको थोड़ा पढ़ लो, अगर फिर भी आपको आंसर नहीं मिलता है, कुछ समझ में नहीं आता है, तो नेक्स्ट क्लास में आप मेरे से क्वेश्चन कर सकते हो। तो जो आउट ऑफ सिलेबस जो चीजें होगी उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूंगा, बट वो चीजें आपको करनी पड़ेगी, मैं पूरी चीजें यहाँ पर वो पढ़ा नहीं सकता, बट थोड़ा आपको उसके बारे में गाइड करके बता सकता हूँ, राइट। सो आज की क्लास यहीं पर वाइंड अप करें फिर।
सर उसका रिकॉर्डिंग कैसे मिलेगा? ठीक है, रिकॉर्डिंग जो रहेगा कल आप लोगों को, सर जो आप लोगों का ईमेल आईडी आपने दिया होगा ना मंजीत सर के साथ में शेयर किया होगा, तो उस ईमेल आईडी पे कल आपको सर क्या करेंगे एक लिंक सेंड करेंगे, वहां से आप रिकॉर्डिंग जो है वो क्या कर सकते हो डाउनलोड कर सकते हो। तो कल आपको मॉर्निंग में जो है वो लिंक मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो, उसको अपने पास में स्टोर करके रख सकते हो। आप उसको दिन भर चाहो तो उसको एक बार रिवाइज करके देख लो, पढ़ लो, कुछ पॉइंट्स में अगर समझ में नहीं आए तो नोटबुक में आप नोट करके रख लो, कल मेरे से क्लास के टाइम पे फिर आप जो है वो डिस्कस कर सकते हो। ओके, उसका सिलेबस और पीपीटी शेयर कर सकते हैं क्या? किसमें? ये आपको उसमें आपको वीडियो के अंदर ये चीजें मिल जाएगी ना, ये सारी चीजें, ठीक है? तो बाकी उससे आप देखना, बाकी अगर अगर उसको रिक्वायर्ड रहेगा तो फिर मैं पीडीएफ जो है उसके साथ में आपको शेयर कर दूंगा। ओके, बाकी ये चीजें तो आपको वीडियो के अंदर मिल जाएगी। आप एक बार सभी लोगों को मैं बोलूंगा कि एक बार आप क्या करो, जैसे अभी क्लास खत्म हो गई, अब कल आप टाइम मिले तो उसको वीडियो को एक बार रिवाइंड करो, और नोट्स जो है ना आपको अपने आप से बनानी है, क्योंकि इंटरव्यू में जब आप जाओगे तो वहां पर आपको सारी चीजें अपने आप से नोट्स के अंदर आप लिखते चलो इसको डेली। ये रिकॉर्डिंग इसलिए दी जा रही क्योंकि 1 आवर्स का टाइम है और उस टाइम के अंदर आप लिख नहीं पा रहे हो, तो रिकॉर्डिंग में आपको क्या होगा कि बार बार आप रिवाइंड करके देख सकते हो, नोट्स अपने अकॉर्डिंग बनाओ, और ऐसी नोट्स बनानी ताकि इंटरव्यू में जब आप जाओ तो वहां पर आप ब्रीफ में देख करके और क्या कर सकते हो यूज कर सकते हो। यस इन रियल टाइम सिनेरियो व्हिच आर द अदर फायरवॉल देन सिस्को व्हिच आर यूज्ड। तो देखो रियल सिनारियो में इतेश आपका पालो अल्टो भी यूज होता है, चेक पॉइंट भी यूज होता है, फोर्टिगेट भी यूज होता है वैसे, है ना, सिस्को का फायरवॉल भी हम क्या करते हैं यूज करते हैं। बट सिस्को के फायरवॉल के ऊपर अगर आप काम करने के लिए सीख जाओगे तो आपका ये जो थ्योरेटिकल कंसेप्ट है ना वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। फिर आप जो है अगर आप अपने खुद से मेहनत करते हो तो आप थोड़ा बहुत चीजें जो है दूसरे फायरवॉल्स के ऊपर कन्फिगर कर सकते हो, आपको वो सब ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। अदर फायरवॉल्स के अंदर क्या होता है कि आपको केवल उनका फायरवॉल का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सिखाया जाता है, थ्योरेटिकल पार्ट उनके सिलेबस के अंदर इतना ज्यादा होता नहीं है, ये चीजें रहती है, बाकी ये है। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, है ना, मिलते हैं कल, गुड नाइट एवरीबॉडी।